अस्सलाम वालेकुम, इमरान गिल आपका जी होस्ट और एक नए प्रोग्राम के साथ। ये अब देखेंगे, अभी मैं इस प्रोग्राम में जो आपको दिखाने लगा हूँ कि हम रिंग रोड पे इसके करीब हैं, जो गजू मते का रिंग रोड है, तो आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये सामने रिंग रोड है, वो सामने जी इंटरचेंज चल रहा है, गजू मते का इंटरचेंज है रिंग रोड का। ये हमारा गजू मते का स्टॉप है, जो यहाँ पर मेट्रो का आखिरी स्टॉप है। और क्या है यहाँ पर आपको दिखाने वाली चीज़, ये इतनी खूबसूरत जगह पे, लोकेशन पे हम आपको एक 8 मरले का घर सेल कर रहे हैं, उसके लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। और इस रोड के ऊपर हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक 8 मरले का घर सेल हो रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ही है। हम आपको इस घर का जो विज़िट कराएंगे, बड़ा खूबसूरत लोकेशन का घर है, घर की एक साथ सोना बहुत बेहतरीन है। रिंग रोड करीब है, मेट्रो का स्टॉप ये देखें जी करीब है, मेट्रो, गैस, बिजली, पानी हर चीज़ अवेलेबल है, एक्सेस बेहतरीन है, रेट बड़ा मुनासिब है। तो जो जो लोग इस वक्त घर की तलाश करें उनके लिए ये घर है। चलें जी अंदर और मैं आपको दिखाऊं घर का रिव्यू, चलें। जी दोस्तों, हम ये मेन रोड से करीब आ चुके हैं, ये मस्जिद के सामने गली है और गलियां भी आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छी सोसाइटी है और अच्छे घर हैं यहाँ पे। यहाँ पे बिल्कुल न्यूली घर तो मिलते नहीं, इस्तेमालशुदा घर मिलते हैं, कोई साल पुराना, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना। ये देखें सारे गली आप देखेंगे काफ़ी अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं और आबाद है। और ये देखें गैस भी लगी है यहाँ पे। अभी हम इस घर के लिए वीडियो बना रहे हैं, ये घर आपको हम दे रहे हैं जी। ये 8 मरले का है और 2-साइडेड है, इस साइड पर भी इसका रास्ता है और दूसरी साइड से भी, वो भी हम आपको इंशाल्लाह जल्दी दिखा देते हैं इसी वीडियो में। अंदर चलते हैं, ये घर हम देखेंगे। यहाँ से एंट्री की, गैस का मीटर लगा है, बिजली का मीटर लगा है, और उसके बाद हम अंदर आते हैं तो ये साथ ही पाउडर रूम है। सबसे पहले हम देखेंगे ये पाउडर रूम है, इंशाल्लाह घर बहुत बेहतरीन है, अच्छा घर बना हुआ है। ये पाउडर रूम है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद कोशिश करता हूँ ज़रा जल्दी जल्दी आगे चलते जाएँ। लोहे का सॉलिड गेट लगा हुआ है, ये गेट आजकल जिस तरह का लोहे का रेट है बनाने बहुत मुश्किल है। यहाँ पर हमें 2 दरवाजे मिलते हैं आपके सामने ही हैं, ये एक दरवाज़ा है और एक ये दरवाज़ा है, और ये भी डबल ग्रिल है, ठीक है जी। ये सारा बिजली का सिस्टम इनका UPS वगैरह लगा हुआ है। तो दोस्तों अंदर चलते हैं, काफ़ी बड़ा खुला डुला इनका, ये हम देख सकते हैं कि ये वाकई ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम इकट्ठे हैं, ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम ये इकट्ठे हैं। हम देख सकते हैं कि बिल्कुल मुनासिब सा टाइल वर्क किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बड़ा लग्जरी घर बनाया है, मुनासिब सा घर है, सॉलिड लकड़ी का, क्योंकि ये बिल्कुल न्यूली घर नहीं है, समाज का घर है, तो ना किसी तरह का कोई पेंट किया, ना किसी तरह का रंग किया, जो है जैसा है वही है। और ये बहुत अच्छा है, ये देखें जी यहाँ पे और भी सिस्टम हम देख सकते हैं कि ये 8 मरले का 2-साइडेड ओपन ये घर है, यहाँ से भी दरवाज़ा खुलता है, ये पीछे हवा के लिए इन्होंने सिस्टम रखा हुआ है। आगे चलें और देखते हैं कि आगे क्या कुछ है। हम आगे इस साइड से गराज ज़रा छोटा है, छोटी गाड़ी आएगी, वैसे सड़क पे भी बाहर खड़ी हो सकती है, ये ओपन वाले हिस्से में सीढ़ियाँ जाती हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इन्होंने जो पेंट का काम किया है बहुत प्यारा किया हुआ है, अच्छी पेंटिंग और महंगी वाले काम किया गया। ग्रे नाइट तो नहीं है ये, लेकिन ये बादल ग्रे पत्थर है ये लगा हुआ है। लकड़ी का काम जिस तरह का मुनासिब घरों में होता है इस तरह का काम है। और ऊपर भी देखेंगे हम लोग, सजाई है जी इन्होंने छत को, इतना नॉर्मल सा सादा सा इन्होंने घर को सजाया है, अच्छा घर है। टाइल वर्क भी किया गया, ये देख सकते हैं सामने टाइल है आप देखें, और वो हमारा ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम से हम निकल आए बाहर, सामने मेन गेट है, ऊपर जाने का रास्ता है, किचन को भी विज़िट करेंगे, लेकिन हम मज़ीद आगे चलते हैं, थोड़ा सा किचन को भी विज़िट कर ही लेते हैं। ये देखें जी किचन का भी सारा काम हम देखेंगे, अच्छा सोलर काम किया गया, ये किचन का सारा व्यू है, किचन भी बहुत अच्छा बना हुआ है, ये देखें जी सारा टाइल वर्क भी किया गया है और सारा कुछ यहाँ पे लगा सजा बना पड़ा हुआ है। मज़ीद आगे चलते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं कोशिश करूँगा। ये देखें टाइल वर्क इधर भी हुआ हुआ है सारा, घर में बहुत खूबसूरत इन्होंने काम करवाया है। हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ से फिर एक दफ़ा एक लॉबी स्टार्ट होती है, दूसरा घर जो शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये देखें, ये एक बेड है, ये मुकम्मल एक बेड है, और ये इसकी कबर्ड बनी है, मुकम्मल बेड है, इसको हम कह सकते हैं कि ये मुकम्मल एक बेडरूम है। एसी वगैरह लगे हैं, देखें रेट शेट क्या डिसाइड होता है, पंखे लगे हैं, एसी लगा है, अच्छी कंपनी के पंखे लगे हुए हैं। ये देखें टाइल वर्क सारा किया गया है, घर में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, बहुत बेहतरीन खूबसूरत घर है। चलें जी, ये इसको हम बेड कहेंगे, या अगर 2 भाई रहने वाले हों तो वो इसको अपना ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं। ये एक वाशरूम है, ये एक वाशरूम है जो दूसरे बेड की तरफ भी खुलता है और इस साइड पर भी खुलता है।
यहाँ से सेपरेशन हो सकती है, इसको भी हम बेडरूम कह सकते हैं जी। ये देखें, ये सारा ऊपर, ये बिल्कुल जो लेटेस्ट दौर है उस दौर के हिसाब से तो नहीं, लेकिन ये अच्छा सॉलिड घर बना हुआ है, कोई इसमें कमी नहीं छोड़ी गई। घर बहुत खूबसूरत है। हम बाहर आ जाते हैं तो ये बाहर का माहौल देखें, यहाँ पे बाहर ग्रीनरी लगाई जा सकती है, कुछ पौधे वगैरह लगे भी हुए हैं। ये बाहर से गाड़ी खड़ी करने की जगह, यहाँ पे बेशक दो गाड़ियाँ खड़ी कर लें। चलें जी, मैं कह रहा था गाड़ी खड़ी करने की जगह किधर है, ये दूसरी गली में हम निकला है। ये देखें जी, दूसरी गली में निकला है। ये दूसरी साइड से भी व्यू देख लें ज़रा, ये हमारा ही घर है, 8 मरले का। एक इधर से दरवाज़ा खुलता है, एक उधर से खुलता है, और ये सारी गलियाँ भरी हुई हैं और बेहतरीन है। गैस बिजली पानी मौजूद है, कोई टेंशन नहीं। अब चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। ये देखें जी, ऊपर लकड़ी का काम बड़ा अच्छा किया गया है। ये अब चलते हैं दूसरे पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में। हम वापस यहाँ से आ गए और ये हम दोबारा एंटर कर गए। अब ये सीढ़ियों पर जा रही हैं, ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर कैसा है। चलें जी, जैसे ही ऊपर आते हैं तो ऊपर भी सारा सिस्टम देख सकते हैं। ये हमारा बाहर निकलता है जी, और ये ऊपर का सारा सिस्टम है। ये हम बाहर आ गए जी, टेरेस पे खड़े हो गए। यहाँ से हम देख सकते हैं बाहर गली का भी सारा सिस्टम, नज़ारा देख सकते हैं। तो यहाँ से ये हम देखेंगे, ये सारा इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, पेंट वगैरह किया हुआ है। अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या कुछ है। तो दोस्तों, अंदर आते ही सबसे पहले हम ऊपर आएँ तो ये एक बेड हम ऊपर देख रहे हैं जी। बड़ी फैमिली यहाँ पर रह सकती है। लकड़ी का काम किया गया है, ऊपर पंखे लगे हैं, कोई किसी किस्म की नमी वगैरह नहीं है। खूबसूरत बना हुआ है नीचे। ऊपर अटैच वाशरूम हम देख सकते हैं, मौजूद है अटैच वाशरूम, कमोड भी है। चलें जी आगे चलते हैं, मज़ीद सीढ़ियों ऊपर जाती हैं। तो एक हमने बेड देख लिया, अब यहाँ पर आते हैं तो ये सामने में एक और बेड मिलता है। ऊपर 3 बेड बने हुए हैं और एक स्टोर है। ये एक विद अटैच वाशरूम, ये भी देख सकते हैं, और इसका रास्ता उधर से बाहर भी निकलता है। हम दूसरी साइड से आते हैं, इस बेडरूम का हम देखेंगे जी। ये सारा लकड़ी का काम किया गया है और इसके दरवाजे वगैरह ठीक हैं, मजबूत हैं और जल्दी ख़राब नहीं होने वाले हैं। ये गली बाहर जा रही है, इस गली से इस साइड पे छोटा सा एक हमारा स्टोर रूम है, ये हम देख सकते हैं स्टोर रूम। और स्टोर रूम के बिल्कुल सामने ये फिर एक बेडरूम आ गया, वॉशरूम वही इस्तेमाल होगा दोनों बेड्स का। मैं मेरे दोस्तों, ये लेटेस्ट दौर का नहीं है लेकिन अच्छा बना हुआ है, घर की मजबूती उसके सामान से पता लगती है। ये देखें, लकड़ी का काम किया गया, एक मुनासिब सा बेडरूम है। यहाँ से भी बाहर हम देख सकते हैं, ये हम फिर बाहर निकला है। जो घर की राइश करेगा इंशाल्लाह अच्छा उसको घर मिलेगा। ये गाड़ी के लिए रास्ता इधर से है, और दूसरी साइड से बाइक्स वगैरह हम खड़ी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, मज़ीद इसमें क्या है वो भी देखते हैं। हम वापस आ गए दोस्तों। इस घर की जो डिमांड है ऑनर की तरफ से वो 1,80,00,000 है। यहाँ पर ग्रीन कैप का ये इलाका है, 12 लाख रुपये मरला जगह चलती है। तो यहाँ पे इतना सस्ता सा माहौल नहीं है, बड़ा महंगा लगा है। ये भी लकड़ी का काम किया गया है। अगर कोई शहर के बीच में रहना चाहता है और वो चाहता है कि हमें अच्छा घर मिल जाए तो ये घर उसके लिए अच्छा है। ऊपर मंडी देखते हैं, 1,80,00,000 की डिमांड है। लेकिन मैं ये आपसे वादा ज़रूर करता हूँ, जो पसंद करते हैं वो कॉन्टैक्ट करें, रब्ता करें। ये मंडी बनी हुई है, ये मंडी आप देखें जी दोस्तों। ये हम दरवाज़ा खोल के बाहर आ गए, ये सारी छत देखें, एंड तक छत देखें, सारी छत तैयार है। 1,80,00,000, गीज़र लगा है ये आपको लगा ही मिलेगा। 1,80,00,000 की हमारी डिमांड है। ये सामने मस्जिद है, हम देख सकते हैं ये सामने मस्जिद है, ठीक है जी। और ये रोड से इंतहाई करीब है, ये इस तरफ हम देखें इब्राहिम मस्जिद भी हम देख रहे हैं, उसके मीनार भी। बहुत ही प्राइम लोकेशन पर ये घर है, आसपास घर बने हुए हैं। 1,80,00,000 की डिमांड है, जल्दी से कॉल कर दें, रब्ता कर दें, घर को आप बुक कर दें। घर आपके लिए है, हम आपकी ऑनर से मीटिंग भी करा सकते हैं किसी अच्छी ऑफ़र के साथ। हमें कॉल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।